हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का व्याकरण निधि भाग 8 का अभ्यास पुस्तिका को सिखाएंगे। आज हम आपको चैप्टर 8 संज्ञा का अभ्यास पुस्तिका को सिखाएंगे। इसके आगे मैंने 1-7 संधि तक सिखा दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं उन सब वीडियो को, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम पार्ट 8 संज्ञा पर आधारित जो एक्सरसाइज वर्क है उसको आपको हम सिखाते हैं। सेकंड नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, संज्ञा के डैश भेद होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5, 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर, समूहवाचक संज्ञा शब्द किसी डैश का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं। समूह का बोध कराते हैं। ग नंबर, सुंदरता डैश संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य या डैश का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अंगा नंबर में, डैश संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। अब चलिए तीन नंबर, रेखांकित शब्दों में संज्ञा का भेद लिखिए। का नंबर, हमारे विद्यालय के चारों ओर बहुत हरियाली है। हरियाली क्या होगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ख नंबर, सोना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। सोना क्या होगा बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ग नंबर, बकरी पहाड़ पर चरने चली गई। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट घ नंबर, क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। क्रोध भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अंगा नंबर, गंगा हमारी पवित्र नदी है। गंगा यहाँ नाम लिया गया, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, चार नंबर में, भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत डैश हुई। यहाँ कठिन है, हो जाएगा कठिनाई। वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत कठिनाई हुई। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर, विद्यासागर की डैश से युवक बहुत प्रभावित हुआ। सज्जन सज्जनता। विद्यासागर की सज्जनता से युवक बहुत प्रभावित हुआ। ग नंबर, बालक नचिकेता
कई दिनों तक डैस रहा, भूख से क्या हो जाएगा बच्चों, भूखा भूखा रहा, भूखा। नेक्स्ट देखिए घ नंबर में, दुखद समाचार सुनते ही उसकी सारी डैस गायब हो गई, हंसना से हो जाएगा हंसी, हंसी। दुखद समाचार सुनते ही उसकी सारी हंसी गायब हो गई। अंगा नंबर, कुतुब मीनार की डैस देखकर सभी दंग रह जाते हैं, ऊंचा, ऊंचा से होगा ऊंचाई, ऊंचाई। चार नंबर, कारगिल के जवानों की डैस सबको याद रहेगी, वीर, वीर से हो जाएगा वीरता, पांच नंबर में देखिए रेखांकित संज्ञा के भेद को शुद्ध यानी राइट का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उसमें आपको टिक करना है। क नंबर, धरती पर दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और धरती के नीचे अंडरलाइन है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक, तो धरती हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट ख नंबर देखिए, आजकल शुद्ध दूध नहीं मिलता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, तो ये हो जाएगा दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, गाय नदी किनारे पानी रही है, यहाँ गाय और नदी दोनों के नीचे अंडरलाइन है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पता नहीं, तो यहाँ पर गाय और नदी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लास्ट घ नंबर में, सैनिक बॉर्डर की ओर चले गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, तीनों ही, तो यहाँ पर सैनिक हो जाएगा, तो बच्चों सैनिक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका पूरा पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।